तुमने इस कुर्ते पे क्या पहना है? मैं दिखाऊं? दिखाऊं क्या पहना है? इस कुर्ते पे क्या पहना दिखती भाई हमारे लिंग तो रोज ट्रेन जा रहा है ठीक है, रोज जा रहा है हर आधे घंटा में। जैसे कि जो ग्रेटर नोएडा साइड की उन्हें पता है कि जैसे दिल्ली आवे तो आधा चले तो आधा भी जावा है यहाँ पे। और कई भाई कहेंगे जिनको नहीं पता वाला था हाँ। जैसे जिन्हें नहीं पता आधा क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। तो जी भाई अब सेट कर रहे हैं सेटअप पूरा। तो जी भाई कुछ ऐसे शूट करते हैं रील्स, तो बताओ कमेंट करके। चलो रील्स बना के गाँव जाएंगे ऐसी। राम राम जी, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक दीपशिखा भाटी पे। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले वाले ब्लॉग को तो प्यार और सपोर्ट दिया। तो जो मेरे छोटे भाई देख रहे वैसे अपना सपोर्ट बना रखो, जो मेरे बड़े देख रहे वैसे अपना आशीर्वाद बना रखो। तो जी भाई अभी जस्ट सोको उठाया मैंने, सोको उठते सबसे पहले मैंने व्लॉग एडिट किया, तो व्लॉग एडिट करते करते एक बज गए। तो भाई दीपशिखा ने बना दिया खाना, तो आज खाने में बना देखो, आज खाने में है आलू शिमला मिर्च ठीक है। और भाई यहाँ रख के नहीं खाऊंगा, खाऊंगा बाहर ही। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई बेड पर रख के खाना नहीं खाना चाहिए, तो खाऊंगा भारी, तो बस मैं भी दिखा रहा हूँ ठीक है। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। खाना तो खा लिया यार भाई, खाना खाने के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे चिप्पी। हाय गाइस, वेलकम टू ऋतिक दीपशिखा भाटी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सबने देखा था कल चांदनी चौक वाला ब्लॉग, तो कैसे लगा था कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज का जो दिन था ना, बेसिकली आज का दिन था तो क्लास का सर्टिफिकेशन डे था, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है मेरी चल रही है 7 डेज वाली मास्टर क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स आज नहीं आए क्लास में, तो आज उनका सर्टिफिकेट डे था। तो आज बेसिकली कह लो मेरी लीव थी, तो मुझे आज टाइम मिला पूरा दिन। तो जो छोटे मोटे घर के काम थे वो सब किए, कपड़े वपड़े धोए, खाना वाना बनाया, फिर मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब आज का डे भी ऑक्यूपाई तो करना है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, बैठना नहीं है। तो फिर मुझे करना था नवरात्रि लुक क्रिएट, तो जिससे आप देख सकते हो मेरा आउटफिट भी कुछ ऐसे पहना है। वेट में दिखाती हूँ, तो आउटफिट भी मैंने कुछ ये पहना है ठीक है। वैसे ही मतलब मैंने आज फर्स्ट टाइम ही पहना है, एक बार पहना था जस्ट फॉर वीडियोस के लिए, दैट्स इट, उसके अलावा फिर नहीं पहना। आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ इसको, और आज भी वीडियोस के लिए पहन रही हूँ, जबकि मुझे बहुत प्यारा लगता है ये ठीक है। तो चलो अब लुक क्रिएट करते हैं। तो अभी तक मैंने फेस पे कुछ नहीं किया है, ओनली जस्ट आई मेकअप, लेट्स स्टार्ट बाकी का काम। तो फिर सीन ये था कि जब आज स्टूडेंट्स आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो नवरात्रि लुक क्रिएट कर लेते हैं। और मेरे पास ना ज्वेलरी भी आई हुई थी कोलैब की कार्डिनल ज्वेल पेज से, तो मैंने सोचा कि चलो फिर नवरात्रि लुक क्रिएट करते हैं। और इस लुक में मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, ऋतिक भी मेरे साथ वीडियो बनाएंगे आज। ऋतिक का आउटफिट अभी दिखाऊंगी, पहले मैं रेडी हो जाऊँ। तो गाइस छोटा सा ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए, हल्का सा विंग कर दिया मैंने इसको, अच्छा लगेगा। बस ये था कि पहले ये आउटफिट पे वो थोड़ा लूज आता था, आज थोड़ा टाइट आ रहा है, इट्स ओके फिटिंग, तो फिर भी मैं मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई मेकअप इज डन, या डन हो गया। अब आती है फेस की बारी। और सबसे बुरी चीज़ किस किस लड़की के साथ ऐसा होता है कि आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको किसी शादी में जाना है, कहीं भी जाना होता है, उससे पहले ना ये बिन बुलाए मेहमान, अनवांटेड गेस्ट, ये ज़रूर आते हैं लाइक पिंपल्स। हमें कहीं जाना होता है ना, उससे पहले ये ज़रूर, घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, किसी की शादी में जाना हो, अपना कोई पर्सनल इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, उससे पहले ये ज़रूर आते हैं। मेरे लिए एक इस गाल पर था, ये तो आज बैठ गया, दो इधर हैं, इट्स ओके, कोशिश करेंगे छुपाने की। ऋतिक रेडी हो जाओ, ऋतिक सुनाई नहीं देगा ऋतिक को। मैंने लगाया ब्लू कलर के लेंस। चलो फेस का काम स्टार्ट करते फटाफट। पहले मैं लगा लेती हूँ थोड़ी सी सनस्क्रीन।
अब मैंने हेयर वॉश करे और बट अभी तक कॉम नहीं है। मेरा मन तो कि मैं हेयर स्टाइल भी बनाऊँ इस लुक के लिए, बट फिर मेरे पास नेचुरल स्ट्रेट है तो फिर आप सोचते हो स्ट्रेट रख लो, क्योंकि ज्वेलरी जो आई है ना, मतलब इस लुक के लिए बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी आई है, प्रॉपर पूरी सब ज्वेलरी, टीका हथ फूल मैं भी दिखाऊंगी। फिर सोचा स्ट्रेट रख लेती हूँ, ये तो ख़त्म है। तो मैंने लगाया सिर्फ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के बाद कंसीलर, छोटे छोटे पिंपल्स, मैं यूजुअली फाउंडेशन नहीं लगाती, शायद मैंने पहले भी बताया था। लेट्स ब्लेंड इट। ये मेरा ब्रश, माय पर्सनल ब्रश, मतलब मैंने आई थिंक इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, बहुत अच्छा है, देखो विद इन अ सेकेंड ब्लेंड हो जाता है। सो बेस इज डन प्रॉपर पूरा, बट ये नहीं छुप पा रहे, इट्स ओके, क्या करूँ, करे थे लुकिंग। माय पिंपल्स की वजह से ना फेस पे भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि फेस्टिवल है, करवा चौथ है, 100 चीज़ें होती है फेस पे कराने के लिए, बट मैं कुछ नहीं करा पा रही हूँ जब तक ये ठीक नहीं, पहले यहाँ था फिर दो, एक फिर दो। रितिक मेरा वहां से ब्राउन पर्स ले आना, तो फेस तो डन हो चुके हैं। अब नवरात्रि लुक है तो ब्लैक काजल लगाना तो बनता है, एक सेकेंड, ब्लैक काजल लगाना बनता है, जब तक आईज बोल नहीं होंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उप्स, बोर्ड करने के चक्कर में ज्यादा ही बोर्ड हो गया, ठीक करना पड़ेगा। काजल फैल गया तो मैंने ठीक कर लिया है, अब लगाते हैं ब्लश, थोड़ा सा लगा दिया थोड़ा पहले, आज मैं भी ये वाला ब्लश कुछ ज़्यादा लगाती हूँ। तो ये नवरात्रि लुक है तो इसके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी है हमें, क्रिएटिविटी जैसे कि एक लूपिंग और लाइनर, ग
रितिक फोन कॉल तो मेरा रह गया था, आप लोगों को दिखाना, बट मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो कुछ इस तरीके से लुक तो करना बनता है। तुम्हारा भी कर दूँ क्या? बनता है इस तरीके से कुछ लुक करना बनता है। हाँ, बताओ एक एक डॉट लगा लो बस। क्या करूँ? एक एक डॉट लगा लो ऐसे। अरे हाँ हाँ, तो जाओ कपड़े तो जीन सिला, मैं लग रहा है बढ़िया, अजीब तो नहीं लग रही? नहीं। तो भाई कोई डांडी इवेंट हो, चलो पहले मैं रेडी हो जाऊं, फिर मिलते हैं। डांडी इवेंट तो है बहुत सारे, चलो कहां चलोगे? पहले रेडी हो जाऊं। कहां है मेरा कुर्ता? अभी अभी अलमारी में रखे हैं। तो पहले मैं ज्वेलरी इतने बाल ड्राई हो गए, सॉरी फेस ड्राई हो गए बाल नहीं, ज्वेलरी बाल हो गए। कॉम का रखते हैं अभी तक नहीं हुआ। हो तो गए तैयार, तुम एक घंटे तैयार हो रही हो ना? जब भी मैं ही पहले रेडी हुई हूँ। और देखो भाई, जब भी मैं ही पहले रेडी हुई हूँ, तुम जब से तैयार हो रही हो है ना भाई, याद मो 2 मिनट लगे बस कुर्ता पहन का आया हूँ तैयार। अब इसकी फिटिंग और सही आ रही है ना, है ना? जब तुम पतले थे ना, और मैं जब पतली थी तब मेरे भी ये टाइट आ रहा है। चलो भाई मैं हो चुके तैयार। अब भाई मैं कह रहा था कि जैसे वो चल रहे डांडिया इवेंट, एक किसी घर में डांडिया का इवेंट चल रहा हो तो हम बुला लो, हम तैयार। हाँ चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रेटर नोएडा चले जाओ, बढ़िया लग रहा हूँ। तुमने इस कुर्ते पे क्या पहना, मैं दिखा दिखा क्या पहना है इस कुर्ते पे, क्या पहना है क्या पहना है दिखा दो मेरा। चलो भाई अब देखो क्या पहना है। पहले तो आप मेरा मेकअप देखो कैसा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा। अब यहाँ देखो कुर्ते के ऊपर शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं इंसान, और कह रेडी हो गए हैं, देख रहे हो भाई? जो वीडियोस बनेंगी ना, देखो भाई बाहर जाना नहीं है, जो वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी मतलब हाफ हाफ, तो बहन सोची मतलब मैं हाफ हाफ मिड मिड की शॉर्ट्स लेने हैं, तो इसका मतलब थोड़ी नीचे शॉर्ट्स पहन के घूमूंगा। नहीं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, इस राज को राज ही रहने दो, पर तो तुमने दिखा दिया। चलो भाई मुझे बताओ मैं कैसा लगूं, मूछ होती? चलो मूछ रखेंगे घर से, और भाई बाल तो बढ़ चुके हैं थोड़े थोड़े। लिप शेड परफेक्ट बनाना कितना मुश्किल टास्क है। भाई हमारे लिंगे तो रोज ट्रेन जा रहा है, ठीक है रोज जावा हर आधे घंटा बाहर, जैसे कि जो ग्रेटर नोएडा साइड की उन्हें पता है कि जैसे दिल्ली आवे तो आधा चले, तो आधा भी जावा है यहाँ पे। कई भाई कहेंगे जिनको नहीं पता, दादरी वाला था, जैसे जिन्हें नहीं पता आधा क्या होता, तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रेन है मतलब ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, हम बाबा गैल जा कर अद्धा में,
ठीक है तो क्या दाद रजिस्ट्रेशन डाल रहा है जिस जिसे पता है कि अद्धा क्या कमेंट करके बताना तो अद्धा भी चले यहाँ तक 12 बजे दूध वाले वो आते हैं सब है ना इसमें जितने भी दूध यहाँ और जैसे वहाँ से यहाँ आते हैं वहाँ जितने भी दूध यहाँ वहाँ से यहाँ आवे यहाँ से वहाँ जावे और भाई स्टेशन पे है मुझे कैसे पता क्योंकि मैंने बताई ठीक है क्योंकि मैं भी गई हूँ ठीक है और भाई पता क्या जैसे दूध के जो डिब्बा रहे ना भी नहीं रखे रहे दूध लेके आते हो दूसरे और भाई दूध के डिब्बा भी नहीं रखे रहे तो अद्धा में भाई हम बाबा गेल जा रहे गाँव और भाई एक चीज और होता हमारे बाप पता क्या कह रहे मुझे जब मैं छोटा है मुझे कह रहे की ना चला तो एरोप्लेन में लेकर चलूंगा तो मम्मी कह रही कि एरोप्लेन में जावे तो ट्रेन में जाएगा तो मैं कहूंगा ना ना बाबा एरोप्लेन में घुमाने लेके जा रहे भाई बाद में ट्रेन में एरोप्लेन लगा करी फिर एरोप्लेन समझ के भाई ट्रेन में जा रहे तो कमेंट करके बताना जो भी ग्रेटर नोएडा साइड के दादरी साइड के उन्हें पता होगी अद्धा क्या होता तो अगर आपने बताया तो कमेंट करके बताना बाबा नहीं है तो रोज अद्धा चले तो भाई एक चीज देखी तुम ना मूवी कौन सी हेरा फेरी हेरा फेरी उसमें बहुत सारा सामान दे रहे हैं उसे पहनने को ठीक है मेरे पास सिर्फ कुर्ता ही है और जैसे उसके पास परेश रावल के पास वो रह रहे सिर्फ एक जो कि नहीं सही टाई इस टाई ये पहन के खुश हो प्रॉपर लुक ऐसे मेरे भाई सिर्फ कुर्ता ये मेरा दीपशिखा के पास है पूरा देखो कितना सुंदर लुक है ये लो ये बांधना पीछे से इसको बंद करो कितनी सुंदर ज्वेलरी अब है प्रॉपर लुक दो एक सेकेंड ओके बंद हो गया तो गाइस कितनी सुंदर ज्वेलरी है ना जिसको भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बाय करनी ना कार्डिनल ज्वेल का पेज जरूर देखना क्योंकि वो चलो तो रेडी हो जाओ तुम फिर बता देना है ना ये ट्रेन आती जाती रहेंगी कितना देख सुंदर है देखना जिनको भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चाहिए ना इनका पेज जरूर विजिट करना इनके पास बहुत सुंदर सुंदर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है लो क्वालिटी नहीं है मैं ये रील अपलोड करूंगी गाइस जरूर जाके देखना प्लीज बोलते हैं हथफूल ये कुछ उस तरीके से पहना जाएगा आई थिंक मैंने उल्टा पहन दिया रिस्टिका इधर आओ ये बंद कर देना वाह भाई वाह चल राजस्थान ही चल रहे हैं राजस्थान चल रहे हैं चलो टाइटिंग बंद कर दो रुको ऐसे करो चलो भाई और भी है वाह भाई वाह ये भी बंद हो मैं एक चांदी की चेन ही बना मंगवा देती जैसे चेन वगैरह टाइप्स है ना ऐसे बंद अब लास्ट है ना नहीं अब ठीक है तो फैन ऑन करो पहले देखो कितनी स्वेटिंग आ रही और देख रहे स्वेट प्रूफ मेकअप है खराब नहीं हो आने के लिए हेल्प कराओ तो ये अच्छा लग रहा है सुनो ऐसा करो सुनो अपने ऐसे चलो बाहर भाई ऐसे ही घूमने जा रहे हैं ना तो क्या वापस होता है घर वाला है तो जी भाई अब सेट कर रहे हैं सेटअप पूरा चलो फिर वीडियोस बनाएंगे एक बार प्रॉपर रोटेट तो दिखा था अपना इधर हाँ चलो घूमने चल रहे हैं कहीं ऐसी पीछे जाओ पीछे तो क्या हुआ पीछे जाओ अब चलो गांव चल रहे हैं ऐसे भाई मैं और दीप सिंह कैसे गांव जा रहे हैं
ठीक है चलो रील्स बना के गाँव जाएंगे ऐसी। चलो तो भाई रील्स बना लेते हैं। हाँ इधर आओ, ऐसे गाँव चल रहे हैं ठीक है, गाँव चल रहे हैं। चलो चलो भाई आज गाँव में मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद रील्स बना लेते हैं। तो देख भी तो लो पहन भी कितना कुछ रखा है, मुझे देखिए सिंपल सा। अच्छा तो मैं ही लगूंगा कॉमन बाल भी खड़े नहीं करेंगे यार, बाल और बड़े हो रहे हैं बाल। इट्स ओके इट्स ओके। चलो भाई अभी झोंक लेते हैं। चलो तो जी भाई कुछ ऐसे शूट करते हैं हम रील्स, तो बताओ कमेंट करके। चलो तो जी भाई रील्स बन चुकी हैं, अब कर लेते हैं कपड़े चेंज। चलो तो जी भाइयों आप सोचोगे कि भाई मैं तो वहाँ यहाँ एकदम यहाँ कैसे आ गया, तो मैं बता देता हूँ भाई कल मुझे एक जगह जाना था तो इस वजह से मैं रात को ही आ गया ठीक है, तो इसलिए मैं आज आ गया और दीपशिका को मैं घर छोड़ आया हूँ क्योंकि दीपशिका को भी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे बड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और जो मेरे छोटे भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। और बस एक चीज़ और कहनी है आपसे कि कल वाला व्लॉग बहुत बड़ा बन गया तो फिर भी आपने इतना प्यार दिखाया, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि थोड़ा छोटा व्लॉग बनाऊँ, और अगर आपको बड़ा व्लॉग पसंद आया तो आप बताना, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बड़ा हो गया शॉपिंग व्लॉग ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा छोटा व्लॉग बनाऊँ और जो जो चीज़ें काम की हो वही आपको दिखाऊँ, तो ठीक है आपका भी ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी इतना प्यार और सपोर्ट दिया था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम राम लव यू, जय बाप मोहन राम की, सबसे मेन चीज़ भाईचारा बनाए रखो, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो मिलते हैं कल।